अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। आज व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑफिस से, क्योंकि बाहर का मौसम फिर वही बारिश वाला हो रहा है। बारिश की पेशन गोई थी, बताया हुआ कि बारिश होगी, अगेन वही मौसम हो रहा है। हो सकता है आज फिर बारिश स्टार्ट हो जाए, तो मैंने बोला व्लॉग को स्टार्ट कर लेता, अगर बारिश हो गई तो बारिश भी दिखाएंगे और यहाँ का वेदर अपडेट भी दिखाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम का बारिश का पानी अभी तक क्लियर रोडों से क्लियर नहीं हुआ है शारजा से। अगर आज भी बारिश हो गई तो फिर आप समझें क्या हाल होने वाला है यहाँ का बारिश का। अभी बस वेट करते हैं, थोड़ा मौसम बन गया बारिश का और अभी बस मैं अकेला हूँ, मैनेजर भी नहीं है रूम में, मैं अकेला था तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग भी स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर रूम जाके इतना टाइम नहीं मिलता और थोड़ा सा टाइम होता है, तो मैंने बोला मैं अभी व्लॉग शुरू कर लेता हूँ ताकि व्लॉग सही बन जाए, प्रॉपर बन जाए व्लॉग। तो भाई आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब, और एक अंगूठा बना होता है लाइक का, वो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब के बटन पे जो है ना क्लिक मारो, फिर एक घंटी बजी भी आती है उसको भी क्लिक मारो, ताकि नया व्लॉग आए तो आपको पता चल जाए हाँ भाई व्लॉग अपलोड हो गया है, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। तो भाई यहाँ मैं निकला था बाहर रिकवरी के लिए, पेमेंट की रिकवरी करनी थी, और वेदर देखें इतना मज़ेदार वेदर हुआ हुआ था, पूरा बारिश का वेदर हुआ हुआ था और ट्रैफिक भी थोड़ा जाम चल रहा था। तो हम लोग निकले हुए थे रिकवरी करने के लिए, शारजा की तरफ जा रहे थे और ये सिग्नल भी यहाँ पे बंद हो गया, फिर हम लोग खड़े रहे सिग्नल का वेट करते रहे, तो अब जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी भी देखें कितना पानी खड़ा हुआ है शारजा में, अभी भी कितना पानी खड़ा हुआ था कि गाड़ियाँ रुक रुक के चलनी थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जाम हुआ हुआ था। बहरहाल किसी तरह से करके हम लोग आगे की तरफ बढ़े, ये देखें अभी यहाँ पे कितना पानी है, सामने गाड़ियाँ बिल्कुल फंसी पड़ी हुई हैं, इतना चीकड़ हो रहा था वहाँ पे, पूरा पानी पानी हो रहा, दोनों तरफ पानी खड़ा हुआ था। तो यार मैं निकला हुआ था बाहर कुछ पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, पेमेंट लेनी थी कुछ कंपनी से, तो गर्मी बहुत शदीद हो गई है दुबई में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। अभी रुका हूँ चाय पीने के लिए, चाय लेने गया ड्राइवर, वो सामने ड्राइवर चाय ले रहा है, और गर्मी का हाल आप लोग देख सकते हैं, धूप कैसी तड़पती हुई धूप है। थोड़ी चाय वगैरह लेते हैं, चाय लेके फिर ऑफिस जाएंगे, सुकून से बैठेंगे एसी में। बस सुबह भी निकला हुआ था पेमेंट कलेक्शन के लिए, सुबह निकला, फिर सुबह के बाद भी निकला एक जगह से चेक उठाना था, ये रूटीन लगी है क्योंकि पेमेंट्स वगैरह लेट होती रहती है, तो पेमेंट्स भी निकलना पड़ता है बाहर, पेमेंट लेके फिर अब सुबह इंशाल्लाह जो भी काम होगा देखेंगे पेमेंट के हवाले से। तो भाई मैं आ चुका हूँ घर और अभी बस चेंज वेंज वगैरह करा है, तो मैं जा रहा हूँ अभी, बहुत टाइम हो गया था यू ही आए हुए, तो मैंने पहले सोचा था मैं ज्वाइन करूँगा जिम वगैरह, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, फिर रूम्स वगैरह फिर वाइफ को बुलाया, तो अभी टाइम मिला तो मैंने सोचा आज मैं जिम में ज्वाइन ले लिया जाए, ज्वाइन तुमसे ना हो पाएगा कर ले जिम को, क्योंकि टमी शमी बहुत बढ़ गई है, इसको कम करेंगे जाके। तो अभी बस जा रहा हूँ, आज एडमिशन लेता हूँ जिम में, तो अब ज़्यादातर व्लॉग्स जिम के भी आया करेंगे, क्योंकि जिम के आपको भी पता चलेगा कि यहाँ के जिम्स कैसे हैं और अपनी फिटनेस भी दिखाएंगे आपको हम। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी जिम, 7 बज गए, 7 बज रहे हैं, तो अब देखें मैं आता हूँ 1 से 1.5 घंटे बाद आऊँगा, फिर आके शेक वगैरह पियेंगे, मैंने उसका इंतज़ाम भी ला कर लिया, ये केले शेले लेकर आ गया हूँ मैं आज, आके फिर शेक भी पियेंगे, हाँ दोनों पियेंगे शेख। तो बस अभी हम जा रहे हैं, आज एडमिशन लेते हैं, तो फिर जिम को कंटिन्यू रखेंगे। मैं ओमान में था, ओमान में मैंने जिम करी तो मैं बिल्कुल फिट फाट हो गया, अभी मुझे खुद लग रहा है हाँ मुझे जिम की ज़रूरत है, इसलिए मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वरना अपने आप को फिट रखे वो अच्छा रहता है, ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल निढाल कर दो कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, बस अपने आप को बंदे को फिट रखना चाहिए, इसलिए जिम लाजमी है। तो चलें चलते हैं जिम की तरफ। तो भाई अपनी पानी की बोतल निकाल लेते हैं जिम के लिए, ये आखिर पानी की बोतल, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है, पानी की जरूरत लाजमी पड़ती है वहाँ पे, जा रहे हमारी पानी की बोतल, इसको पहले भर लेते हैं। और ये है यहाँ का डिस्पेंसर, हमने यहाँ पे ये लगाया हुआ है,
पाकिस्तान में तो उठा उठा के भरते रहो। हमने अभी ये लगा लिया, अब इसको भरते हैं ऐसे। ये है इलेक्ट्रिक चार्जिंग, सुकून से भरता रहेगा पानी। Moments later. भाई आते ही हालत बहुत बुरी हो गई थी। या तीन गिलास शेक पिए, फिर अभी थोड़ी सी रोटी खाई है तो हालत थोड़ी सेट हुई है। तो अभी बस सोने की तैयारी करेंगे क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है। तो फिर मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।